बा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेब मालिका जाई फुला मालिका हरि हे ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण मानक सिद्धार्थ भक्तिर जाई फुल मालिका को स्वागत करुचु। भक्त बंधु आमे मैंने आलोचना करुले 600 वर्ष तलर तालपत्र पोथी लेखा होता मालिका शास्त्र से आगत भविष्य कथा जहाँ को श्री अच्युत शिष्य रामदास मध्यम मात्र कर आम मानी आगत भविष्य कथा जनईं जहाँ को शुणापुर केवल भयभीत नुहे बरम सतर्क हो पार पाप पुण्य विचार आम मन भितर आसव आमे मैंने पाप ठारू टे दूर रही लगिजा पुण्य कर्म अन्नर हित साधन जहाँ को धर्म कहते भक्त बंधु अधर्म को छाड़ी धर्म करने अच्युत आज मालिका शास्त्र को लिखिंट जे धर्मवंत प्राणी हेले जगतरे कलिजुगर आयुष बढ़ आदि मनीष अधर्म बाटर जीव कलिजुगर आयुष क्षय हो ता सहित आम आयुष क्षय हो जाए जदि अज्ञान पणे थाई अर्धे आयुष क्षय जाए मनीष ज्ञानी हेले आयुष वृद्धि हुए आज्ञानीपण रही आयुष क्षय हुए। महापुरुष कौन लिखुं कलिजुगर एमती एक समय आसो जो समय भितर मनीष विचारहीन होचारी संख्या बढ़ भक्तबंधु एक आम कहून अच्युत महापुरुष आगत भविष्य सूचना दे जाई फुल मालिकार महापुरुष अच्युत कौन कहते कहे व्यभचारी हे बेजन व्यभचारी हे बेजन व्यभचारी हे बेजन व्यभचारी हे बेजन हजीव संस्कार हजीव ज्ञान लो जाई फुल एहा घोर कली रे प्रमाण 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले मनीष व्यभचारी हिजबा सहित आ का भितर संस्कार आसीबन बापा मा माने पिला मानक संस्कार देबे नाही जेहेतु संस्कार विहीन पिला माने हेबे भक्त बंधु तार परिणाम स्वरूप पिता माता को भोगिबा को पड़िबो। एबे आपण माने मन रखंतु पिला मानक जदि आपण माने एबे पैसा न दउचंती पिला माने गोटे दिन कांदे खेलना न दौंती गोटे दिन कांदे मोबाइल न दौंती कांदा चारि पांच मस हम किंतु जदि संस्कार न दौंते सारा जीवन कांदे पिला संस्कार विहीन पिलागला भक्त बंधु पितामाता अंतिम संस्कार भी जोगदेवे ना पेपर आपण मैंने पढ़ती अमक लोकर मोर शरीर पाखे बड़ पु अमक सान पु समक समस्ते उपस्थित थे बड़ पु ता ना अमक सीए मुखाग्नि प्रदान करें बापा पुओ मुखाग्नि दबनी तो आ किए दब ये पेपर बाहर कारण कौन मुखाग्नि बड़ पुओले कारण हूँ या पाखे एत व्यस्तता बहु जीवन जे पाने बापा मुखाग्नि देवे कि नहीं सन्देह आदि दे तो ता लेटेस्ट न्यूज होता ही पेपर बाहर कथा जाहू अमक लोकर मला पुओ ही मुखाग्नि देता कहीं एवं पुओ पाखे भी बापा को मुखाग्नि देवा समय ना भक्तबंधु एमती समय आसीज संस्कार बदली जाए सुधी सज्जन सनातनी हिंदू हिंदू बोली कहवापी ता पाखरे आउ आत्मविश्वास नथिव काहेकि ना से सभ्यता संस्कार कुआडे हिंदूर पळै जीव भक्त बंधु महापुरुष एक कथा को कहउचंत आउ आंभे माने भी निज संस्कार को हुडिलेनी जो संस्कार पाश्चात्य सभ्यतारु आसी से संस्कार को आंभे माने बे आपणैलेनी देखुनांती एबे आम भितरे आम संसार कि भाव में सब कलह पशिला पाश्चात्य सभ्यता पशि कि भाव में आम विदेशी सभ्यता को आपणै नेलु जणे सनातन हिंदू माने मन रखतु जो माने जाई फुल मालिका को देखुं मुं को जोड़ हस्तपूर्वक निवेदन करी पिला संस्कार दिं मंदिर आध्यात्मिक परिवेश रे पिला बुलांत जड़े हिंदू सनातनी धार्मिक व्यक्ति मान को निवेदन जो माने पिला संस्कार देवाई चाहती भक्त बंधु आपण पिला मंदिर नियंतु ये भाव में आपण मैने अंडापाई स्कूल को पठाई दौंती सेमती टी थापी पिला मंदिर को पठातु मंद नाश इति मंदिर मंद जो नाश जाए से हूँ मंदिर
नकारात्मक शक्ति पड़े जाए आउ मन भितर ऊर्जा प्रकाशित हो जाए पिला घंटी बजातु पिला बारंबार मझे मझे मंदिर नियंतु आउ पिला चंदन तिलकर लगाइबार अभ्यास करंतु मथा केबे खाली रखंतुनि पिलामानंकर जने सनातन हिंदू हिसाब रे तिलक लगेबार परंपरा अमर अछि ए संस्कार दियंतु पिला जेंते आपे आपे तार चंदन टिके मस्तक रे लगेइबो। तृतीयत पिलामानंकु देवादेवी मानंकर कहानी सुनांतु वीर पुरुष मानंकर कहानी महापुरुष मानंकर कहानी त्याग बलिदानर कहानी जो माने देश पई किछ बलिदान दैछंते विभिन्न कवि कर जीवनी हो महापुरुष जीवनी हो आप मझे मझे से कथा को शुणत ये मोबाइल ठारु शैशव को टी अलग करदे आपण मैंने चेष्टा करूँ आप भल कहानी पिला शुणात जो कहानी को शुणी पाने निश्चिंत जीवन में उतारे आ जीवन भितर संस्कार आसव ये कथा आप लिखि रखत पिला शुणे आपद पड़े पिला शिखात मुखर नारायण नाम को उच्चारण कर बापारे जेतबेले तो दुख पड़ुछि कष्ट पड़ुछि विपद बोली भावुछु डरी जाउछु भयभीत सेतबेले नारायण नारायण क ए कथा मध्य सिखांतु आउ कौन स्मरण करबा को कहंतु प्रभुंकर नाम गोड़ बाजिले विष्णु करबा सिखांतु अनेक परिवार मु आपन मानकु कहि रखिबा पई चाहे एबे युव पीढ़ी जो आसुचंती बा एबे जो जेनरेशन आसुछि पिला मानंकर समय आसुछि प्रभुंकर नाम कुआडे आउ पाटिरु उभय गला एबे कादर गोड़ बाजिला विष्णु कहूना सरी कहते तेणु से जन हिंदू सनातनी को मुझे ये जाइफुल मालिका कार्यक्रम मध्यम नवेदन करी पिला विष्णु कह गोड़ बाजिला बापा विष्णु कर गुरुजन लघुजन जहाँ धरवि गोड़ बाजिले पशुपक्षी को बिलेटे जाऊ गईठा मारदे कुकुरटे जो बहुत पिला देखी गोड़े अड़ेदे ना बिलकुल क्या देहरे भी समस्त देह नारायण ज्ञान कर समस्त को विष्णु करंतु जा देहरे गोड़ बाजिला भक्त बंधु गुरुजन बसला बेले गोड़ उपरे गोड़ पक बस बारण करंतु आपण ये संस्कार बारंबार निज हाथ को पाटी रे पुरेबा बहुत कु अभ्यास ये संस्कार मध्य दियंतु पाटी रे हाथ पुराना आ हाथ उच्चिष्ट कले जा संगे संगे हाथ धो ये कथा मध्य सिखांतु उच्चिष्ट हाथ करना बारंबार पिला नख कामुड़ा हाथ को पाटी पुरेबा ये सब कथा को नाक पुरेवा ये अभ्यास को छड़ातु पिला भक्त बंधु ये संस्कार नुहे पुनश्च गायत्री मंत्र पिला सिखात हनुमान चालीसा पढ़ापी कहतु श्रीमद भगवत गीता सका पिला पढ़ापी कहतु जो संस्कार पिला बुझ न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु खाओ पिता ये भाव में गीता पढ़ा द्वारा पिला भितर संस्कार आसे ये अधम जिते बाल्य अवस्था थाए से श्रीमद भगवत गीता प्रतिदिन सका पाठ कै बुझीपे ना किचु किंतु पढ़े आारी संस्कार आज आपण मानते महापुरुष मालिका शास्त्र को आपण मान कहवाई केवल सामर्थ्य प्राप्ति करच्युत कृपार भक्त बंधु तार कृपा ना किए बा ये कथा आपण मान आगे कही रखे ये हूँ संस्कार मो बापा माँ का संस्कार भक्त बंधु महापुरुष अच्युत जाइफुल मालिकार शिष्य रामदास कहते बाबूरे कलीजुगर पे सब संस्कार भूलीजे आस्ते आस्ते संस्कार भूली पाश्चात्य सभ्यता प्रवेश कर आम हिंदू सनातन धर्म नष्ट से आम चेल मध्यम आपण मानक कौन कौन पिला संस्कार देवार आवश्यकता अच्छे से कथा आम मैंने आलोचना करुचु भक्त बंधु गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा श्रीमद भगवत गीता पिला पढ़वार अभ्यास करतु आ सहित आपण मैने पानी के आपण बाहर को पाने जाऊँच बाए कहतु ना हाथ हलैवा शिखातु ना बाए जगह जय जगन्नाथ कहतु मथा नई प्रणाम सिखांतु भक्त बंधु ये हूँ बड़ विदाय आउ एबे पिला माने संस्कार एबे टिके बदली जाइछि स्कूल रे जो पिला माने पाठ पढ़ुचंती बस आसी लागि जाउछि पिला माने बस से चढ़ला बेले माँ जेमती हाथ हलौचंती पिला जेमती अमेरिका स्विट्जरलैंड जाउछि आउ माँ आज एरोडम फील्ड रे थाई के हाथ हलौछि सेमती लागुछि किंतु समय थिला बापा माँ मैंने आकट कर थापड़ पक स्कूल को विदा करुले एवं टे पर आधुनिकरण होमें टाटा शिखेले किए कहीपे जदि केवल आम संस्कार टाटा रहीज
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଠା ଠା ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ସେଇ ହାତ ହଲେଇବା ପିଲା ଶିଖିବେ, ତେଣୁ ହାତ ହଲେଇବା ନ ଶିଖାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ନମ୍ରତା ଗୁଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିଯାଉ, ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହବ? କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଯେ ତାଲା ପଡ଼ିବ, ମଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ମରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ। କି ଏ ପଦକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିହାତି ଆସୁଥିବ 600 ବର୍ଷ ତଳର ମାଳିକା ଆଜି ଯେମିତି ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଆସିଲା ମହାମାରୀ, ହେଲେ ମଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ସେଠି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋ ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ ମହାମାରୀ ହେଇଯିବ, ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣିଷ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଯେ ତାଲା ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଛି ତାଲା, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି ଖୋଲା। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଂସା ଚରି ହାଣକୁଟ ହୋଇବେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହାଣକୁଟ ହେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ? କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଂସା ଚରି ହାଣକୁଟ ହୋଇବେ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଶୁ ଲୁଟି ଖାଇବେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ। କି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଶ ଲୁଟି ଖାଇବେ, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଂସା ଚରି ହାଣକୁଟ ହୋଇବେ। ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ପଦ ପାଇଁ, ପଦବୀ ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ହାଣକୁଟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରିଣ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜସ୍ୱକୁ ଲୁଟି ଖାଇବେ। ଆପଣମାନେ ରାତି ପାହିଲେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟତା ମାଳିକାର, ଅମକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି ଅମକ ଅଫିସର, ଅମକ ନେତା, ଅମକ, ଆପଣମାନେ ରାତି ପାହିଲେ ଆଇନ ଆଖିରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ଜେଲ୍ର ଚାରିକାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମାଳିକାରେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ଖାଇବେ, କିଏ ଡାଲି ଚୋରି କରି ଭିତରକୁ ଗଲାଣି ତ କିଏ ଚାଉଳ ଚୋରି କରି ଭିତରକୁ ଗଲାଣି, କିଏ ସରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରକୁ ଗଲାଣି, ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟି ଖାଇବେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଗାଈ ଦାନା ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ମାଆକୁ କହିବେ ପୁତ୍ର ଯେ ଘରୁ ବାହାରେ ବୁଢ଼ି, ଭାଇ ହୋଇଯିବ ଭଗାରି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ। କି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଭାଇ ହୋଇଯିବ ଭଗାରି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି, ଭାଇ ଭଗାରି ହୋଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆମେ ଭିନ୍ନେ ହେଇଯିବା, ତାକୁ ଭାରି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ, ଏତେ ପରିବାରକୁ ସେ ଏକା ରୋଷେଇ କରିଦେବନି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଘର ଭିତରେ ବିପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏବେ ବିପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ, ଆଜି ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଭାଇ ହୋଇଯିବ ଭଗାରି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି, ମାଆକୁ କହିବେ ପୁତ୍ର ଯେ ଘରୁ ବାହାରେ ବୁଢ଼ି, ଏ ବୁଢ଼ି ତୁ ଘରୁ ଯା ବାହାରେ, ଯା ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ତୋର ରହିବୁ, ନହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ କହୁଥିବ ଯା ତୁ ତୋର ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ବାହାରେ ଏଠୁ ଯା ତୋ ଝିଅ ଘରେ ରହିବୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦୁଥିବ, ମା କାନ୍ଦୁଥିବ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଳିକା ଯାହାର ସତ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧାର ନେଇଣ ଲୋକ ଯେ ଫାଙ୍କୁଥିବେ ଟି ଜାଣ, ଅଚ୍ୟୁତିକ ହୋଇ ରାମରେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରମାଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहिले उद्धार नहींण लोके जे फांकु थिबे टी जान आपण घर टंका नहीं थिबे उद्धार नहीं थिबे के दे परिस्थिति रे पड़ी छी मते धार दे था मु त फेरे देबी जेतबेले आपण से समय होई जीव जे मासक परे परे मास परे जाय पहुंचबे जे की पैसा तू की पैसा मते देथलु की आस्तु मागिया को आ जदि देथलु प्रमाण कोन भक्त बंधु प्रमाण खोजिबे बा टंका फांकिबे ए सुदी सज्जन उद्धार नेइनो लोक जे फांकु थिबे टी जानो आपण जहाँ को उद्धार देबे सी आपण को थरे मागिबो आ उद्धार फेरी पाइबा पई हेले आपण 100 थरो ताको मागिबे को पड़िबो जेमिते आपण को थारु सी टंका नेइनी बरम आपण ताको टंका मागुचंती दया रे सेई भली परिस्थिति आसीजिबो भक्त बंधु महापुरुष 600 वर्ष तले कहुचंती मालिका शास्त्र रे ए भली समय आसीबो जोथरे उद्धार नेइण लोक जे फांकु थिबेटी जानो अच्युतिक होई राम रे कली युग प्रमाण जानिबो घोर कली रो आसी गला आउ जोथरे मनीष निजर वचन रक्षा करी परिबो नाही आउ उद्धार न देले कली युग रे होणा खाइबो जणे जणो को इमिते समय आसीबो टंका मागिबो जणे जदी धार न देला मध्य काई धार देलु नै बोली कही से मध्य अन्य जणे जणो को हाणीबा पई मध्य पछैबो नाही भक्त बंधु ए भले परिस्थिति आसी जीव आउ कोन हबो आगो को घटना महापुरुष अच्युत कहुचंते कली युग रे आउ कोन घटिबो बाबू रे आउ कोन हबो कहले उपासे मरी बे बहु उपासे मरी बे बहु उपासे मरी बे बहु उपासे मरी बे बहु अन्न संकट जे होइब बहुल जाई फूल सर्वदरब बढ़िब भाऊ सर्वदरब बढ़िब भाऊ सर्वदरब बढ़िब भाऊ सर्वदरब बढ़िब भाऊ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले बाबू रे जाई फुला मालिकारे अच्युत कहुचंती उपासे मरिबे बहु बहुत लोक उपास रे मरिजिबे आग को आउ अन्न संकट जे होइब बहु अनेक अन्न संकट हेबा सहित सर्वदरब बढ़िजिबो सब जिनसर टंका बढ़िजिबो किणा दर बढ़िजिबो बिक्री दर बढ़िजिबो पुनश्च महापुरुष कौन लेखुचंती उपास रे केमिति मरिबे लोके अन्न संकट होइजिबो आउ कौन हबो सर्वदरब बढ़िबो सब जिनसर दर बढ़िबो पुनश्च महापुरुष कहले प्रथमे को माने मरिबे लेखि रखंतु आपण माने यही माने प्रथमे मरिबे जेतले अन्न संकट काहाकु बेसी पड़िबो अर्थ संकट काहाकु बेसी पड़िबो लेखि रखंतु आपण माने महापुरुष एक कथा कहउचंती कोन कहले कहले प्रथमे मरिबे धीना कधीना तापरे मरिबे उपासे सीना गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले प्रथमे मरिबे धीना कधीना आपण कहिबे धीना कधीना कोण ना जेते को कलाकार प्रथमे मरिबे बोल आनंदक वार हरि बोल भक्त बंधु जे कला को नै कि बंचु थिबो राती पाहिले कला परिवेषण मंच रे करी जेतबेले तार पेट गुजराण मेंटाउ थिबो किंतु एमिते एक समय आसीबो जो समय भितर मंच कलाकार माने मंच रे कला परिवेषण करबा पाई अनुमति पाइबे नाही आउ सेथि बेले कोण हबो मंच कलाकार आखिर लुह गड़े आउ अनेक भोक उपास रे मरिबे भक्त बंधु वाद्य यंत्र नृत्य को नहीं बंचुवा लोक प्रथमे मरिबो आउ तापरे मरिबो उपास सेना जो माने उपास रही अनेक मरिबे आउ किए मरिबे भक्तबंधु महापुरुष कौन कहिले धनवंत लोक बहु मरिबे धन द्रव्य चोर छोड़ाई नेबे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद खाली कौन गरीब मरिबे धनवंत लोक एठ महापुरुष कहिले धनवंत लोक बहु मरिबे आउ धन द्रव्य चोर छोड़ाई नेबे अनेक लोकंकर टंका पैसा सब चोर छड़ाई नेला परे सेबाने हाउ पुरी दे हृदघात रे मरिबे आउ अनेक लोकंकर धन द्रव्य
सब ଭିଜିଲାନ୍ସ हाथ में धरा पड़ो से मरवे धनद्रव्य ठूल कर आयुर्वरीभूत संपत्ति ठूल कर लोक महापुरुष कहते से मरवे आउ किए मर महापुरुष कहते कौन कहले भक्तबंधु कहले कलीजुगे राम धनी बढ़े देश को लुटीण भंडी खाइबे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहिले कली जुगे राम धनी बढ़िबे आउ देश को लुटीण भंडी खाइबे देश को लुटी भंडी खाइबे आउ अनेक धनी बढ़िबे किंतु देश लुटी से माने सब चली करदेव भक्त बंधु महापुरुष एक कथा को कहते आम कहून महापुरुष कौन कहले कली जुगरे देखु कौन कहले भक्तबंधु जो राजा माने सृष्टि हे से माने राजा केवल धनी मानू बेसी धन प्रदान करेंगे गरीब से भाई गरीब अवस्था रही थे भक्तबंधु महापुरुष एक कथा को कहते समुद्र में बरसा हवा जहा ये भाव में महापुरुष कौन कहते से पद को आपण मान आगे रखिले आप बुझीपर आग को कौन घटना घटव महापुरुष कहले राजा देउथिबे धनी कु धन समुद्रे बरसा हुए जे सन गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद राजा देउथिबे धनी कु धन समुद्र बरसा हुए जे सन गोविंद गोविंद राधे गोविंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहले राजा देउथिबे धनी को धन राजा माने धनी लोक को आउरी धन दौथिबे राजा शासन नहीं तो एबे तो मंत्री शासन आउ मंत्री माने मध्य जहाँ दौथिबे तो धनी को आउरी धन दौथिबे एबे देखुना चाकरी करूथिबा लोक दरमा द्विगुण हम तीन गुण हम चारि गुण धर सप्तम वेतन अष्टम वेतन नवम वेतन लागू हो गरीब लोक टे खाइबे को न खाई भंगा कुड़िया रे मरुची भक्त बंधु जहाँ लिखी महापुरुष गोटे पर गोटे सत्य होला धनी को आउरी धन उजाड़े ये कथा जहा आपण मानकर समुद्र में वर्षा हवा से अर्थात समुद्र वर्षा हेल्ले कौन लाभ चाष जमीरे सिना वर्षा हेल्ले फसल जल पाइब किंतु भक्त बंधु समुद्र वर्षा जहा ये दरमा पाता लोकंर आहरी दरमा हुई बढ़िले से अवस्था से गरीब से भाई भाव में गरीब थब कहीं राजा माने धनी को आहरी धन प्रदान करेंगे महापुरुष कहते दुखी तार सेमती दुखरे थी किंतु भक्तबंधु कली जुगरे अनेक भक्त दुख अवस्था थी लुह कड़ाऊ थे अनेक जगार भक्त थे कौ जगार भक्त थे महापुरुष कहते असुरेश्वर दाम नाम गोपालपुरे घन श्याम राधे गोविंद 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 मधु गड़ुची मकरंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की से स्थान ना असुरेश्वर असुरेश्वर आपण जानी कटिकटा पाखर आसिले असुरेश्वर सेठी थिबे भक्त जने तांको ना हेतु दाम आउ गोपालपुर कटक गोपालपुर आउ तांको भक्त ना हेतु घनश्याम आज तो समय हो जाइछि आमे से भक्त मानकर दर्शन करिबा दैबा नाम संकीर्तन करी बाणी कवि राम दबा ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।